सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाने वाले हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी खबर है। दरअसल देखें, अगर नरवाल सब्जी मंडी में जाते हैं तो भी इस खबर को ध्यान से सुनिए, या परेड सब्जी मंडी में जाते हैं तो भी इस खबर को ध्यान से सुनिए। दरअसल गर्मियों की छुट्टियों के चलते पहले आप लोग जानते हैं कि रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भी छुट्टियां अनाउंस की गई, समर वेकेशन अनाउंस की गई, जिसमें कपड़ों की दुकानें या अधिकतर बाजार जो है वो बंद रहे। अब इसके बाद सब्जी मंडी की बात करें, चाहे वो नरवाल सब्जी मंडी हो चाहे वो परेड सब्जी मंडी हो, अब ये सब्जी मंडियां भी आपको 3 दिन तक नजर आएंगी। 28 से लेकर 30 तारीख तक ये मार्केट्स बंद रहेंगी। तो अगर आप लोग सब्जी खरीदना चाहते हैं तो अपनी गली में आए रेडी वाले से या फिर बाहर किसी भी रेडी वाले से सब्जी खरीद सकते हैं, किसी दुकान से सब्जी खरीद सकते हैं। पर अगर आप लोग परेड जाना चाहते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो मैं आप लोगों को बता दूं, 3 दिन तक परेड मार्केट बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहेगी, जिसमें कि सब्जी की मंडी जो है वो मंडी बंद रहने वाली है। चाहे वो मंडी नरवाल में है चाहे वो मंडी जो है जम्मू के ही परेड में है, ये मंडी जो है वो बंद रहने वाली है। तो अगर आप लोग भी अपने घर के लिए सामान लेकर आते हैं, अपने घर के लिए सब्जियां लेकर आते हैं सब्जी मंडी से, तो आपको मैं बता दूं जम्मू में सब्जी मंडी 3 दिन तक गर्मियों की छुट्टियों के कारण बंद रहने वाली है। अब सोमवार से आप लोगों को सब्जी मंडी जो है वो दोबारा खुली नजर आएगी। सोमवार के बाद जो है आप लोग जाकर सब्जी मंडी से दोबारा सामान खरीद सकते हैं। तो अभी तक के लिए जो जरूरी जानकारी है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अमूमन तौर पर लोग अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए सब्जी जो कम रेट पर थोक दाम पर जो है वो कहीं ना कहीं सब्जी मंडी से लेकर आते हैं, और उसके बाद सब्जी मंडी से सब्जी लाने के बाद, क्योंकि वहां पर फ्रेश सब्जी होती है और रेट्स भी काफी जेन्युइन लोगों को मिल जाते हैं, इसलिए लोग ज्यादा रुख जो है वो सुबह के समय या शाम के समय सब्जी मंडी पर करते हैं। ज्यादातर अमूमन तौर पर रश जो है वो परेड सब्जी मंडी में देखने को मिलता है, और सुबह के समय जो है वो नरवाल सब्जी मंडी में भी रश देखने को मिलता है। पर अभी आप लोग इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए कि 3 दिन तक सब्जी मंडी बंद रहने वाली है। तो आप लोग ना तो सरवाल सब्जी मंडी जा सकते हैं सब्जी लेने के लिए, ना ही आप लोग जो है वो परेड सब्जी मंडी जा सकते हैं सब्जी लेने के लिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तमाम उन लोगों के साथ, तमाम उन महिलाओं के साथ जो महिलाएं सब्जी लेने वाली हैं, ताकि उन लोगों तक ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। आगे के अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहे अर्ली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।